अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में 100 साल पुरानी मस्जिद गिरा दी गई थी, जिसके बाद काफी बवाल हुआ। मुस्लिम समुदाय सड़क पर भी उतरा। जब उनकी एक न चली तो वो कोर्ट पहुंच गए। अब भाई कोर्ट तो पहुंच गए, लेकिन कोर्ट में उनके साथ ही उल्टा खेल हो गया, जिसके बाद भगदड़ मच गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा वो क्या करें। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में तहसील रमसिनी घाट परिसर में विवादित भवन हटाए जाने के मामले में गुरुवार देर रात नया मोड़ सामने आया। बीते दिनों से चले आ रहे विवाद के मामले में पूर्व वक्त निरीक्षक समेत 8 पर धोखाधड़ी, कुटरची, दस्तावेज तैयार करने के आरोप में मामला दर्ज हुआ है। आरोप है कि सरकारी भूमि हड़पने की नियत से कमेटी बनाई गई थी। ये बात जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की जांच में सामने आई है। 17 मई को तहसील परिसर में बने अवैध मस्जिद गिरने के बाद मामला गर्मा गया और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जुफिर ने धार्मिक स्थल बताकर हाईकोर्ट जाने की चुनौती दे दी थी। तो वहीं एसपी और कांग्रेस ने अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए मस्जिद बताकर विरोध शुरू कर दिया, लेकिन जिला प्रशासन इसे अवैध निर्माण बताकर हाईकोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई सुनिश्चित की थी। मामले में नया मोड़ तब सामने आया जब जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सोनू कुमार ने रामसिनी घाट कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। इसमें मुश्ताक कली, वकील अहमद, मोहम्मद अनीस, मोहम्मद मुस्तिक खानिस, दस्तगीर अफजल, मोहम्मद नसीम को नामजद किया। आपको बता दें, सोनू कुमार का कहना है तत्कालीन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड निरीक्षक मोहम्मद ताहा को मिली भगत से अवैध रूप से पंजीकरण कराकर 5 जनवरी 2019 को वक्फ की संपत्ति घोषित कर ली थी, इसलिए सभी नामजदों ने मोहम्मद ताहा से मिली भगत कर फर्जी अभिलेख बनाए थे। ये जमीन सरकारी है और निर्माण पूरी तरह से अवैध है। सोनू कुमार वक्फ बोर्ड के सहायक सर्वे आयुक्त भी है। इनका कहना है कि निरीक्षक मोहम्मद ताहा की जांच में मिली भगत उजागर हुई है, ये धोखाधड़ी कमेटी बनकर की गई। वहीं आपको बता दें, बाराबंकी डीएम ट्वीट कर बताया कि आज एफआईआर दर्ज की गई है। मतलब जो ये रो रहे थे कि मस्जिद गिरा दी, मस्जिद अवैध नहीं है, ये सब फर्जी निकला। अब आपकी क्या राय इस वीडियो को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। मैं अमन यादव, वीके न्यूज़, दिल्ली।